छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष न्याय यात्रा पर निकले हैं। बता दें, शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज गिरौदपुरी पहुंचे। गुरु घासीदास की तपोभूमि के दर्शन कर न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बिजली के दरों को बढ़ाते हुए, बेरोजगारी की दिशा में कोई कदम न उठाते हुए, कलेक्टर और एसपी के कार्यालयों को आग से सुरक्षित रखने में असफल होते हुए, चाहे वो प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा हो बस्तरी अंचल का, चाहे वो उत्तरी हिस्सा हो सरगुजा अंचल का, चाहे वो पश्चिमी अंचल हो, चाहे वो पूर्वी अंचल हो, चाहे मध्य राजधानी हो, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल नहीं दिखी। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया। शिवरी नारायण के पवित्र धाम में माथा टेककर उन्होंने शहीद वीर नारायण जी की कर्म और जन्मभूमि में माथा टेककर, गिरौदपुरी में माथा टेककर, छत्तीसगढ़ में गुरु जी को जो अपमान सहना पड़ा है, उनके पूजा स्थली में, उनके ध्यान स्थली में जैत स्तंभ को एक बड़ी मशीन की आरी से कहा जाता है कि काट दिया जाता है, और ये हमारी शासन और प्रशासन है कि आज तक पता नहीं लगा सकी है कि दोषी कौन है। छत्तीसगढ़ में न तो शासन चल रहा है, उसके बजाय यहाँ पर दुराचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, लूट खसोट सब व्याप्त है, और उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता नाराज है, आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में बहाली करना चाहते हैं शांति की, और इसलिए माननीय महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानते हुए हम लोगों ने पदयात्रा की आज शुरुआत करने का निर्णय लिया है। हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ में जो सौहार्द होना चाहिए, सामाजिक एकरूपता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक एक नाता होना चाहिए, वो छिन्न भिन्न हो रहा है। चाहे सतनामी समाज के बीच में हो, चाहे साहू समाज के बीच में हो, चाहे यादव समाज के बीच में हो, चाहे आदिवासी समाज के बीच में हो, यहाँ पूरी तरीके से सरकार एकता स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए नाकामयाब रही है। उसके विरोध में आज की ये यात्रा आरंभ कर रहे हैं। हम बधाई देते हैं भाई दीपक जी को, इन्होंने आज यात्रा करने की शुरुआत की और हम सब उनके साथ हैं। नहीं है, लेकिन जनता से बड़ा न्यायालय हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। जनता हमारे लिए जज भी है, जनता हमारे लिए न्याय भी है, और जनता हमारे लिए भगवान है। अभी तो विधानसभा चुनाव बहुत काफी समय है, 4 साल है अभी, अभी तो उसे बात करना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है और सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है। हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होना चाहिए, लेकिन जिस उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जनादेश दिया, लेकिन उस उम्मीद के साथ कहीं भी खरा उतरता भारतीय जनता।